बोलिए सद्गुरुदेव की भक्त मंडली की आत्मज्ञान ज्ञान सम ज्ञान नाना। रामायण में सप्त प्रश्न में संवाद आता है कांगभूषण से, गरुड़ जी पूछ रहे हैं कवन सुख, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म दुख क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है, संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, ये सप्त प्रश्न। बड़े सुंदर अलंकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगाना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। आखिर क्या बात है, कह रहे हैं दरिद्री से दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्री कौन है भाई, चावल है तो दाल नहीं है, कमीज है तो धोती नहीं है, बिछोना है तो ओढ़ना नहीं है, अभाव है वो बड़ा दुख है। जब बच्चों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है तो एक कष्ट मिलता है, वो दुख है। संत मिलन सम सुख नहीं जाना, आखिर संतों के दर्द से सुख होता है, क्या है, एक स्पेशल रेज उस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। भाई आप कचरे के ढेर पर के पास है तो दुर्गंध आई, आप बगीचे में है तो खुशबू आई, मिलत एक प्राण हर लई, बिशरत एक मिलत एक दारुण दुख देई, बिशरत एक प्राण हर लई, मिलत एक दारुण दुख देई, बिशरत एक प्राण हर लई। सांप मिल जाए शेर मिल जाए तो प्राण नहीं, जैसे प्राण निकल गया ऐसे हो जाता है। मिलत एक दारुण दुख देई, बहुत बड़ा दुख देते हैं, और बिशरत एक प्राण हर लई, जब कोई प्रिय बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। इस तरह संतों की हाजिरी में पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है पूरा। अब आइए, आत्मज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है, आखिर क्या है आत्मज्ञान। हम सब लोगों ने परमात्मा की स्थूल आकृतियों में सबको उलझा दिया, लोगों ने व्याख्या दी है वो कैसा है, जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, अक्षरातीत है, व्योमातीत है, अविनाशी है, अजर है, नित्य है, किसी भी देश काल में उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो इंद्रियातीत है, यानी हम उसको इंद्रियों से नहीं देख सकते, शब्दातीत है, शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, व्योमातीत है, किसी अलंकार से नहीं समझाया जा सकता, अक्का है जो कहा नहीं जा सकता, अगम्य है जिसका अनुमान नहीं लगा जा सकता। हम ये सब चीजें किससे कर रहे हैं, बुद्धि से, कर्म ज्ञान, इंद्रियों से, इंद्रियातीत होने के कारण से इंद्रियों की वहां तक पहुंच नहीं है, यानी एक ऐसी रेज है वो। अब साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। हाँ, इसका मतलब यह है कि जो वहां पहुंचता है उसी के रूप हो जाता है। ये कैसा एलिमेंट है, हाँ धरती पर भी ऐसा है, आप जितनी देर मुझे देख रहे हैं मेरा रूप है, ठीक है, अगर आप तौलिया देखे इस पर कंसंट्रेशन है आप तौलिया हो गए। ये सिद्धांत स्थूल जगत में भी है। अब साहब कह रहे हैं लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, इस भौतिक शरीर के साथ भी थोड़ी सी ये चीजें रहती है। आप गंदगी के कुंड में गिर जाओ तो गंदगी नहीं लग गई, आप अमृत कुंड में पहुंचते तो अमृत की आभास नहीं हुआ, इसी तरह आपकी सुरती पर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। साहब ने आइडियोलॉजी ये जबरदस्त दी। अब कह रहे हैं लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, वो परम तत्व ऐसा एलिमेंट है कि उसमें पहुंचने के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है। वाह कितनी बड़ी बात है, जैसे अग्नि जिस भी चीज को अपने में करती है अपना रूप बना देती है, वो अपना रूप बना देती है, इसी तरह वो परमात्म तत्व वो एलिमेंट है
वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है। एक ऐसा धातु है, अकह क्यों है, हम जो बातचीत कर रहे हैं वो इसमें तो दो तत्व हैं, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, वहाँ वो है ही नहीं। तत्व रहत रविचंदन तारा, वो इन पंच भौतिक तत्वों से परे है, इसलिए डिफिकल्ट है आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। क्योंकि जिसकी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने इस मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, इंद्रियों का इस्तेमाल किया, अनुभव किया, अंतःकरण का इस्तेमाल किया, पर वो उस तत्व तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जय खोजत ब्रह्मा थके सुन नरमनि और शेष, कहे कबीर थो पाइए कर सतगुरु की सेव। यानी हम देखते हैं कुछ चीज़ें जैसे जल, जिस चीज को देखो घोल देता है। वाह, अभी हम देखते हैं कि वो एलिमेंट कैसा है, जहाँ जाने के बाद उसी की तरह हो जाता है, वो परमात्म तत्व की प्राप्ति के बाद ये चीज़ हो जाती है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। इस तरह गुरु का ध्यान क्यों करना, उसी का रूप हो जाओगे। आदमी परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है, उसी का रूप होना, यानी सुरती उसमें मिलेगी तो वो रूप हो जाएगा। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पारस में यही आइडियोलॉजी साहब ने दी है, बाहर नहीं भटकाया, उस एलिमेंट की खबर दी है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। वाह, अब आप देख रहे हैं इस पर लाइट ग्लो नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही, इस पर ग्लो कर रही है, इसलिए पहले यहाँ मच्छर नहीं थे, सब वहाँ थे, यही उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ा, ये ज़्यादा ग्लो हो गया। अब वो फितंगे ब्रह्म से इसको प्रकाश मान करके इधर ही आ रहे हैं। इसी तरह जब ही आत्मा उसमें समाती है उसी का रूप हो जाता है। साहिब कह रहे हैं करूँ निज सम ओह में, फिर एक बात और कह रहे हैं, गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर क्या कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। पारस और संत में अंतर है, पारस तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बना सकता है। अब गुरु कर ले आप समान, आओ इस पर, जब से आप भक्ति में जुड़े हैं गुरु कैसे आप में प्रवेश ले लिया बता देता हूँ। आपको भी अनुभव होगा कि गुरु का अस्तित्व आपके अंदर है, आपकी पूरी नेचर बदल गई, आपकी वृत्तियाँ बदल गई, आपका व्यक्तित्व बदल गया, वाह, आपका खान पान बदल गया, भौतिक की सब चीज़ें बदल गई, सिर्फ भौतिक नहीं बदली, आपकी आत्मा भी चेतन हुई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तभी तो साहब कह रहे गुरु कर रहे आप समान। पहले आप जीवन में झूठी झूठ बोल रहे थे, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, अब आपको भी घृणा हो गई है, चाहे कारणवश झूठ बोल भी देते हो ना तो आप पछताते रहते हैं क्यों झूठ बोला, अब आपका बसर नहीं है। मांसाहार से मुझे घोर घृणा है, चाहे आप पहले तीनों टाइम खा रहे थे ना, अब जिस बर्तन में मांस बन रहा है उसमें भी खाना नहीं पसंद करोगे। पहले आपकी जगत में आसक्ति थी, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खाऊं वो करूं ये करूं, पूरा आसक्ति पर विराम लग गया, अब जगत के किसी भी पदार्थ में आपकी आसक्ति नहीं है। पहले आपका अंतःकरण ऐसा था, अपने व्यक्तित्व को नहीं जान रहे थे, मन जो चाह रहा था कर रहा था, अब वो ये नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया। मेरी जो इस बात से सहमत हैं वो हाथ खड़ा करें। गुरु समाना शिष्य में, सही बात है, गुरु शिष्य में समा जाता है।
दूध में पानी समा जाता है, दिखता नहीं है पर उसे देखा जा सकता है। मैं 70 साल से दूध पी रहा हूं। कितने साल से? छोटा था माँ का दूध पी रहा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो गाय का दूध पीता रहा, यह सिलसिला आज भी जारी है। 70 साल से दूध पी रहा हूं मैं। दूध के अंदर कोई 1 किलो में 50 ग्राम पानी डाल देगा मैं बता दूंगा, पीने के साथ। देखा, यानी दूध में पानी ऊपरी रूप से तो मिल गया लेकिन अंदर तद्रूप नहीं हुआ। पर अभी आप देखें, अगर आप देखेंगे तो अपने वजूद में गुरु को अनुभव करेंगे कि हमेशा साथ में है। कैसे साथ नहीं है? गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। फिर साहब पुष्टि कर रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं, मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे द्वे न समाए। जो पहले आपसे वो तो किसी कहीं गुम हो गए हैं। नामदान से पहले जो आपका वजूद था वो गुम हो गया है, अभी प्रेजेंट में गुरु का ही तद्रूप आपके अंदर अनुभव हो रहा है। मेरा इसमें कोई एजेंट नहीं है, आप ये चीज अनुभव कर रहे होंगे। जो पहला आपका नाम से पहले व्यक्तित्व था अटपटा था, वर्तमान में आपने कोई तपस्या भी नहीं की, आप में इतना विशाल परिवर्तन कैसे आ गया? वो ताकत है। इसलिए साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं, भ्रंग मता हुए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भ्रंग मता क्या है? भ्रंगा किसी भी कीड़े को पकड़ता है, अपनी आवाज से उसे भ्रंगा बना देता है। जिसको भ्रंगा बनाया उसमें भी ये ताकत आती है, वो भी किसी कीड़े को पकड़ करके उसको बना देगा, वो भी उसे भ्रंग बना देगा। तो साहब क्या कह रहे हैं, कीट पलट भ्रंगा कर दीना ऐसा नाम सदगुरु में दीना। अब आपका गंदा कपड़ा था तो आपका वस्त्र बिल्कुल साफ कर दिया, अब आपको हिदायत दी कि अब उस वस्त्र को गंदा नहीं होने देना, बस सावधानी बरतना। तो साहब वाणी में क्या कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देई बताए औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। आपको सिर्फ परहेज करना है, ग्रस्त में रहकर भी परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ आप नियम का पालन करना, सुरती करते रहना चलते फिरते भी, और जो आपको हिदायत दिया है गुरुमुख बनना, गुरुमुख लाहा ले गए मनमुख चल ले मूल गवाए जियो। तो इस तरह से वो एलिमेंट ऐसा है, इसलिए उस गुरु के पास पारस सूरत संत के पास जब उस सत्ता में मिला उसके पास ये सूरत आ गई, इसलिए वो आपको अपनी सूरत में लेकर के परिवर्तित कर देता है। इस तरह साहब कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। इसलिए गुरु कही अंधकार को रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। ये एलिमेंट गुरु आपके अंदर पैदा करता है, ये है नाम। बाप बेटे से मुकदमा कर रहे हैं, पति पत्नी से मुकदमे हो रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं बन रहा है, आदमी चोरी ठगी बेईमानी लगातार कर रहा है, दुकानदार तरह तरह कर रहे हैं। एक मेरा भतीजा है, वो फ्रूट का होलसेलर है, बहुत परेशान था। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोला साहिब जी जो पहले उधार ले रहे थे वो पैसा वापस करते थे, अभी वो जो जो सामान ले गए पैसे ही नहीं वापस कर रहे हैं। करोड़ों की बिजनेस थी वो भी फेल हो गया। बोला पहले जो लोग उधार ले जाते थे वापस देते थे, अभी दे ही नहीं रहे गुरु जी। यानी इस महाकाली काल में इंसान इतना नाखून से चुटकी तक डूब गया है बेईमानी और छल कपट में। ऐसे कलिकाल में आपका व्यक्तित्व तो यूं है कि आप छल नहीं कर रहे हैं, कपट नहीं कर रहे हैं, किसी से धोखा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। काग और हंस दिखते दो एक हैं, कहे कभी रिक्श चाल नहीं। बगुला और कौआ एक जैसे, बगुला और हंस एक जैसे दिखते हैं, चाल एक जैसी नहीं है। आप दुनिया के लोगों में रह रहे हैं, आप अनुभव करें कि आप दुनिया के लोगों में कितना परिवर्तित है। इसलिए वो लोहे को जंगने, सोने को जंग नहीं लगती है। जिस लोहे से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राजा जगजीवन को जब साहेब ले गए थे स्वर्ग लोग घुमाने, तो
जगजीवन साहब को नहीं, राजा अमर सिंह को। तो चित्रगुप्त ने कहा ये तो मेरा ठग है, ये तो मेरा अपराधी है, इसने बड़े विषय विकार किए, आड़े टेढ़े काम किए, ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। साहब ने कहा सुनो, मैंने इसके पूरे कर्म धो दिया है। उसने बोला कर्म का तो सबको फल भोगना पड़ता है, चित्रगुप्त ने कहा। उसने कहा एक पथरी लाओ, चकमक पथरी साहब ने ली, एक लोहा, उसको सोना बनाया, बोला अब इसको लोहा बना कर दिखा दे। चित्रगुप्त धर्मराय भी हैरान रह गया। इस तरह मोर भक्त चंडाल की मोही सब जीवन से श्रेष्ठ हैं सोई। आप इस तरह गलतियां करते हैं, वो आपको वहाँ तमाचे पड़ते हैं, आप समझ जाते हैं, आपकी अंतर शांति जैसे गुम होने लगती है, उस शांति की तलाश में फिर वापस वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए वो ताकत आपके अंदर बैठी है जो आपको अपने शरण में लिए हुए है, हर जगह आपकी सुरक्षा कर रही है, आपको बदल रही है। नाम साहब ने उस एलिमेंट के लिए कहा, वो आत्म एलिमेंट भी ऐसा है, इंसान अपने शरीर में रहकर नहीं जान पा रहा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि हम कर्म ज्ञान इंद्रियों से उसे नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए उठ जागरी मोरी सुरत सुहागिन जागरी, गुरु सुरत को चेतन कर देता है, उसके बाद सभी चीज़ें अंदर से समझ में आएगी। चाहे आपकी वाणी नहीं बोल पा रही है, अंदर से सब कुछ समझ रहे हो। जैसे एक बच्चा है, माँ से वो बोल नहीं पाता है, लेकिन जब वो प्रश्न सूचक दृष्टि से भी देखता है अपनी बात रो कर, क्योंकि अभी उस शब्द जाल में नहीं पड़ा है, वो अपनी हर बात बाहर रख रहा है, रख रहा है। वाह वाह, ऐसा हुआ एक बच्चे से, मैं वीडियो फोन पर बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी मुझसे हिला हुआ है सुकृत। तो उसकी माँ वीडियो, अब वो वीडियो फोन छीन रहा था, वो कह रहा था इसी में है साहब, छीन रहा था। जब माँ नहीं दे रही थी, वो यूं देखा प्रश्न सूचक दृश्य, क्यों नहीं दे रही हो? उसको तो अभी लैंग्वेज नहीं आई और स्वर व्यंजन नहीं आए, इसलिए उसने अपनी पूरी बात निगाह से कह दी, क्यों नहीं दे रही है मुझे? आपके साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप उनको कभी पढ़ना, उनकी तोतली भाषा में देखना, बस ये शरीर के अर्गन एक्टिव नहीं हुए हैं, अंदर चेतन देव बैठा हुआ है, सबके अंदर, सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है, तो गुरु चेतन कर देता है। इसलिए साहब ने, वो एलिमेंट गुरु के पास है, पारस सुरत संत के पास था, इसलिए कह रहे हैं पूर्ण सदगुरु ही तुम्हारे, वो नाम की ताकत, वो रेज है, वो स्पिरिचुअल ताकत है, वो दे सकता है, बिना उसके आप किसी भी तरह से इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु मोहिंदिनी अजब जड़ी, मेरा भाई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो, वाह नाम रत्न, वाह खर्चे न कुटे, चोर नहीं लुटिए, दिन दिन बड़े सवायो। जैसे आपने नाम प्राप्त किया है, चाहे आप उतना कुछ नहीं कर रहे, दिन प्रतिदिन आपकी अनुभूति बढ़ती जा रही है, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, ये वो ताकत है। पर साहब साथ में एक बात करें, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। ये उठते बैठते चलते खाते ये सुमरण करना, सुरती रखना।